सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स सर, आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को क्लियर एक चीज़ करने वाला हूँ, जो कि यार आप लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा जो है डाउट है। वीडियो में जो जियो के रिलेटेड थी, उस वीडियो में मैंने बताई थी कि आप अभी जो है जियो से जो है फ्री कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप बस जियो टू जियो फ्री कॉल इन्जॉय कर सकते हो, बाकी के जितने भी नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क्स को आप जो है कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप दूसरे नेटवर्क को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको है ना IUC जो भी चार्जेस लगता है, IUC चार्जेस आपको पे करने पड़ेगा, जो कि जियो की तरफ से लागू किया गया है पर मिनट से, है ना, पर मिनट जो। तो यार ये है ना, ये जो लागू यहां होने वाला है, यानी कि लगभग हो चुका है, ठीक है। अभी अगर आप न्यू यूजर हो, यानी कि आप अभी न्यूली यहाँ पे आप रिचार्ज करते हो, तो गाइज यार यहाँ पे ना आपको जो भी IUC चार्जेस है वो आपको जो है रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो भी टॉपअप है उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग है 10 रुपये से। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया कि 10 रुपये का आप रिचार्ज करते हो तो 124 मिनट आपको यहाँ पे फ्री दिया जाएगा, प्लस आपको 1 GB डाटा दिया जाएगा। लेकिन 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 रुको, अभी आपको रिचार्ज नहीं करना है। आप अभी ध्यान से सुना मैं जो बताने वाला हूँ, अभी देख लीजिए आपके है ना, अगर 10 अक्टूबर, ठीक है, 10th of October से पहले अगर आपने रिचार्ज करा लिया है, आपका वैलिडिटी जो है 3 महीने के लिए है, 70 डेज के लिए है, 84 डेज के लिए, जो भी रिचार्ज आपने कराया है, अगर पुराना ही रिचार्ज अभी अवेलेबल है आपके अकाउंट में, पुराना ही रिचार्ज अभी काम कर रहा है, तो यार पुराने यूजर्स के लिए ये चीज़ लागू नहीं किया गया है, यानी कि आप फ्री में अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोई भी अदर नेटवर्क को। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, आप है ना अगर 1 महीने पहले 2 महीने पहले रिचार्ज करा लिए हो, अभी भी वो आपका जियो रिचार्ज काम कर रहा है ना, तो यार आप बहुत ही इजीली कोई भी अदर नेटवर्क को कॉल कर सकते हो, वहाँ पे आपका IUC चार्जेस नहीं कटने वाला है। अब बात करते हैं यार कटने किसके वाला है, यानी कि IUC चार्जेस अब लिया किससे जाएगा। तो दोस्तों 10 अक्टूबर के बाद जो भी रिचार्ज कराएगा, 10 अक्टूबर के बाद जो भी यहाँ पर रिचार्ज कराएगा, तो उन बंदों के फ़ोन पे उन नंबर्स में से आपको अगर अदर कॉल करना है, तभी आपको IUC नंबर जो है, यानी कि IUC जो भी चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। ध्यान में रखना, 10 अक्टूबर के बाद जिसने भी रिचार्ज करेगा उसको IUC रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग जो टॉपअप दिया गया है 10 रुपये से ऊपर, आप जितना भी वहां पे कुछ है और टॉपअप का लिस्ट भी अगर आप चाहो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो गाइस यार ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप पुराने रिचार्ज यूज़ कर रहे हो तो यार 10 अक्टूबर से पहले, ठीक है, 9 अक्टूबर से पहले आपने रिचार्ज करा लिया है तो आपको है ना टॉपअप रिचार्ज कराना जरूरी नहीं है, ठीक है, IUC रिचार्ज कराना जरूरी नहीं है। अगर आप है ना 10 अक्टूबर के बाद रिचार्ज कराते हो, तो 10 अक्टूबर के बाद अगर रिचार्ज कराते हो तो दोस्तों आपको है ना यहाँ पर IUC चार्ज, यानी कि IUC टॉपअप यहाँ पर रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग है 10 रुपये से। और यहाँ पर आपको जियो निराश नहीं करने वाला, यहाँ पर आपको 10 डाटा भी बिल्कुल फ्री देने वाला है। तो गाइज यार ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और एक चीज बता दूं, हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो यार प्लीज भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने जियो यूजर्स जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके व्हाट्सएप में, फेसबुक में जरूर से शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें।